नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेसन में एक बहुत ही फेमस राग राग पूर्वी का एक बहुत ही सुंदर लहरा सीखेंगे हारमोनियम के ऊपर। और ये लहरा तैयार करने के बाद आप बहुत आसानी से इसको किसी भी प्रोग्राम, किसी भी मंडली, किसी भी भजन जागरण में बजा पाएंगे। सो इसको सीखते हैं। और बताना चाहूँगा, ये जो लहरा है आपका तीन ताल में बजाया जाएगा और बड़ा ही सिंपल लहरा है, आप दो ही मिनटों में इसको बजाना सीख सकते हैं अगर थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते हैं। नोटेशन आपको वीडियो में डिस्प्ले हो ही रहा है, तो इसको हम शुरू करेंगे तार सप्तक के साथ से। तो पहले जो फोकस रहेगा, आपको पहले आठ स्वरों को तैयार करना है, यानी कि पहली आठ मात्राओं को तैयार करना है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेसन में एक बहुत ही प्रचलित राग राग पूर्वी का लहरा हारमोनियम के ऊपर सीखेंगे। बताना चाहूँ, ये जो लहरा है बहुत ही फेमस लहरा है, अक्सर बड़े बड़े जो विद्वान लोग हैं वो बजाते रहते हैं इस लहरे को। तो आप भी इस लहरे को बजा पाएंगे और अच्छे से सीख पाएंगे अगर मेरे इस वीडियो को दो मिनट पूरा ध्यानपूर्वक देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये लहरा बजा भी दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये लहरा कैसे बजेगा, और प्लस आपको नोटेशन वीडियो में ऑलरेडी डिस्प्ले हो रहा है ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो चलिए एक दफ़ा मैं इसको लहरे को बजा के दिखाता हूँ। तो देखिए कैसे बजेगा, शुरू करेंगे हम तार सप्तक के साथ से। हाँ जी दोस्तों, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया गया है रियाज ऐप की तरफ से। रियाज ऐप एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आपको संगीत की तमाम सारी जानकारी सीखने को मिलती है, आपके राग थाट, आपके फिल्मी गाने, हिंदी गाने, फिल्मी भजन, सब कुछ आपको इस ऐप की मदद से सीखने को मिलेगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए आप अभी इस ऐप को डाउनलोड करें, अभी इस लहरे को स्लो स्लो सीखते हैं। तो देखिए, इसको अगर आपको तैयार करना, तो सबसे पहले आप चार स्वरों के ऊपर फोकस करें, यानी कि पहली चार मात्रा पे सा रे गा नी, ये आपकी पहली चार मात्रा है, एक एक मात्रा पे एक एक स्वर है सा नी धा नी। उसके बाद अगली चार मात्रा सा नी धा पा, देखा जाए तो कैसे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, कैसे सा नी धा नी सा नी धा। ठीक है, इस तरह आपकी पहली आठ मात्रा तैयार हो गई। तब उसके बाद अगली आठ मात्रा बड़ा ही आसान लहरा है, आप इसको कुछ ही मिनटों में सीख सकते हैं अगर मेरे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा तो। और कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। और एक चीज बताना चाहो, लहरा तैयार करने से आपकी ताल की तैयारी होती, प्लस आपको राग की भी जानकारी होती, प्लस आपको हारमोनियम को ताल के साथ कैसे बजाया जाता है उस चीज की भी नॉलेज होती। तो ऐसी चीजों को बजाना चाहिए आप लोगों को अच्छी नॉलेज के लिए, ताकि आपको अच्छी नॉलेज आए, आप अच्छा सीख सके और अच्छा आप बजा सके। धन्यवाद।